वाराणसी के गंजारी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई ने किया निरीक्षण। गंजारी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा जैसा बनाया जाएगा। इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को वाराणसी दौरे पर रख सकते हैं। इसका खाका तैयार किया जा चुका है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष व सचिव के साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने मंगलवार को राजा तालाब स्थित गंजारी में स्टेडियम के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया, फिर मैराथन बैठक करके स्टेडियम के डिजाइन और सुविधाओं को अंतिम रूप दिया। स्टेडियम के निर्माण पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहित, जल्द शुरू होगा निर्माण। गंजारी गांव में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जिला प्रशासन ने 121 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर 32 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टेडियम की विस्तृत कार्य योजना और डिजाइन तैयार की गई है। स्टेडियम में 30,000 ज्यादा दर्शकों के बैठने की सुविधा रहेगी। खिलाड़ियों के अभ्यास करने, रहने के लिए हॉस्टल सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रदेश सरकार ने 95 करोड़ रुपए आवंटित किया था। इसके बाद जमीन अधिग्रहण के दौरान प्रशासन ने 120 करोड़ रुपए की मांग शासन से की है। वहां से बजट जारी होने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अपनी टीम के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी राजा तालाब गिरीश द्विवेदी ने बताया कि डी गंजरी गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए करीब 32 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यूपीसीए के साथ बीसीसीआई करेगा अनुबंध। स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए के साथ बीसीसीआई अनुबंध करेगा। मंगलवार की रात बीसीसीआई पदाधिकारियों के साथ यूपीसीए और जिला प्रशासन के अधिकारियों की लंबी बैठक भी हुई है। इसमें स्टेडियम के डिजाइन, विस्तृत कार्य योजना और सुविधाओं पर मंथन किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह बीसीसीआई और यूपीसीए के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएगा। डे नाइट मैच होंगे, विकसित होगा पूरा क्षेत्र। गंजारी में प्रस्तावित स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। स्टेडियम के आसपास समग्र विकास की रूपरेखा तय करने के लिए विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल स्टेडियम को डे नाइट मैच के लिए तैयार किया जाएगा। यहां 4 ड्रेसिंग रूम व 3 प्रैक्टिस ग्राउंड बनाए जाएंगे। बारिश के पानी को निकालने के लिए खास आधुनिक सिस्टम और खास LED लाइटें भी लगाई जाएंगी।